रिया चक्रवर्ती को के पिक्चर्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। पूछा जा रहा है उनसे लगातार कि नेक्स्ट टारगेट कौन। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती को क्यों किया जा रहा है ट्रोल, उनके पिक्चर्स को क्यों किया जा रहा है ट्रोल, चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को पता है रिया चक्रवर्ती लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरी रही हैं ऑन गोइंग सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, और लगातार इस वजह से रिया चक्रवर्ती का करियर भी एक लंबे समय से ब्रेक पर था। अब ऐसे में फिलहाल जहां रिया चक्रवर्ती पहले काफी हॉट सेंसुअल पिक्चर्स शेयर कर दी थी सोशल मीडिया पर, लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट सा दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती ने एक पिक्चर शेयर किया है जिसकी वजह से वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये पिक्चर इतनी भी ज्यादा हॉट सेंसुअल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती को ट्रोल किया जा रहा है। इस पिक्चर में रिया चक्रवर्ती एक पिक्चर में सूट पहनी हुई है और उन्होंने एक बुक की तस्वीर शेयर की है जिस किताब को वो पढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बुक को वो बेसिकली पढ़ रही है और ये बुक रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है। उसके उन्होंने बेहद ही शानदार कोट्स निकाल कर उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है इसके बारे में। हालांकि आपको बता दूं कि पिक्चर बेहद ही सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद इस पिक्चर को किया जा रहा है ट्रोल। इसके पीछे बस एक ही कारण है, आप सभी को पता है ऑनगोइंग सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार ट्रोलर्स अब भी रिया चक्रवर्ती के से काफी नाराज है। हालांकि रिया चक्रवर्ती को भी काफी लॉस सहना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल आपको बता दूं कि ट्रोलर्स उनके इस पिक्चर पर बार बार उनके कमेंट्स यही आ रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट कौन, अगला शिकार कौन। यानी कि ट्रोलर्स लगातार रिया चक्रवर्ती से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करने के बाद अब आखिर उन्होंने किस नए टारगेट को चूज किया है। तो इस तरीके से लगातार रिया चक्रवर्ती के ये पिक्चर ट्रोल किए जा रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। आपकी क्या है राय, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत, आप बताएं अपने रिएक्शंस हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।